नमस्कार दोस्तों, ये 53rd सेशन है GK GS क्विज का, और इसमें हम DSSSB के एग्ज़ाम में प्रीवियसली पूछे गए 20 क्वेश्चंस करेंगे। तो जो कि आप टेस्ट दे चुके होंगे, तो जिन लोगों ने टेस्ट के लिए एनरोल कर लिया है वो टेस्ट दे चुके होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट द्वारा प्रस्तुत किया गया, जवाहरलाल नेहरू, जॉन मथाई, रामास्वामी चेट्टी के द स्वामी, सन्मुखम शेट्टी या चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। तो सी डी देशमुख, आर सी के सन्मुखम शेट्टी, जॉन मथाई या जवाहरलाल नेहरू, आपका आंसर फटाफट आना चाहिए। जी बिल्कुल सही आंसर है, सन्मुखम शेट्टी, जिन्होंने कि पहला यूनियन बजट पेश किया था 1947 में, और नवंबर, याद रखेंगे इसे, नवंबर 1947 में पहली इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। और अगर पूछा जाता है रिपब्लिकन इंडिया में, तो आप सी डी देशमुख का नाम ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कि हिंदी में बजट पेश किया हो, खैर इस रूप में आप इन्हें याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट बाय सवाई प्रताप सिंह, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था? तो मेहरानगढ़ फोर्ट, ओल्ड फोर्ट, हवा महल, इंडिया गेट, इनमें से कौन सा बनाया गया था सवाई प्रताप सिंह द्वारा? जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, कि ये बनवाया गया था, हाँ, सवाई प्रताप सिंह द्वारा, हवा महल, है ना? नहीं आ रहा येलो नज़र, तो मैं इसको कर देता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सा कलर, ब्लैक, नहीं ब्लैक इज नॉट गुड, रेड, आज रेड से करेंगे, रेड हॉट। चलिए, तो आंसर रहा हवा महल, जो कि बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ओल्ड फोर्ट जो कि इंद्रप्रस्थ के राब से जाना जाता है, ओल्ड इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इसका इतिहास चालू होता है हस्तिनापुर के टाइम से। हालांकि इसके अंदर जिस व्यक्ति ने काम करवाया उनमें शामिल थे, सबसे पहले तो हम देखेंगे तुगलक, और उसके बाद में लोदी, उसके बाद में हुमायूं की जो लाइब्रेरी थी जिसमें से गिरे थे वो यहीं थी, और शेर शाह सूरी, बहुत फेमस है किला कुहना मस्जिद जो कि यहीं पे है। तो इन सब ने काम करवाया ओल्ड फोर्ट में। एज फार एज मेहरानगढ़ फोर्ट इज, आई थिंक राव जोधा थे, राव जोधा, और 1499 के आसपास की डेट होनी चाहिए जो आपको मिलेगी। इंडिया गेट जिसका नाम था किंग्सवे, भाई जरा देख लीजिएगा एक बारी, समझ अब तो नज़र आ रहा है ना रेड, तो किंग्सवे 1921 में, फरवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था, 1931 तक कंप्लीट हुआ इस पे। ये ईस्टर्न साइड है जो कि कनॉट प्लेस की है, जिसे कि फेमस सर्कल है वहाँ पे है, और एक मॉन्यूमेंट है जो कि रायसिना हिल्स, जो कि अरावली का समाप्ति है, रिट्रीट है वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई आपको याद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर थोड़ी तेजी हो तो बता देना, थोड़ा धीमा हो जाऊँगा। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुदुचेरी एज ऑन 8 May 2021? देखो बहुत रीसेंट करके क्वेश्चन पूछ दिया गया है, आप लोगों को याद रखना है। अगर आपका, जैसा कि आप में से जो लोग अभी देख रहे होंगे उसमें जो टीचर्स हैं, खास करके PRT स्पेशल वाले, या फिर वो बच्चे जो कि PRT जनरल का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, काउंसलर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को का एग्ज़ाम अक्टूबर और नवंबर में होने के चांसेस हैं। इन सब के लिए अगर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है तो आपको अगस्त
की करंट अफेयर कर लेनी चाहिए। अगर नवंबर में आपका एग्ज़ाम है तो आपको सितंबर, यानी आप सभी के लिए अगर मैं कहूँ तो आपको मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स पर, तो वो आपका पेपर आपके पकड़ में आ जाएगा। यहाँ पे जब हम पुदुचेरी की बात करते हैं, आप में से सभी का आंसर आ रहा है करेक्ट जी। एन रंगास्वामी हैं जो कि अभी चीफ मिनिस्टर हैं पुदुचेरी के। आपको पता है कि पुदुचेरी प्लस दिल्ली, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और यहाँ पे विधानसभा भी है, ठीक है। अगर पुदुचेरी की बात की जाए, अगर हम पुदुचेरी की बात कर रहे हैं तो ये फ्रांसीसियों से जब आज़ाद हुआ था, इसके चार डिस्ट्रिक्ट हैं, पुदुचेरी, यलम, करिकाल और माहे, चारों की एक दूसरे से सीमा नहीं लगती, और ये लगते हैं आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरल से, तीन राज्यों से सीमा लगती है इसकी। इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कौन सा नहीं है। याद रखिएगा, माहे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है ना, और जी जो आपने लिखे हैं उसमें माहे की सीमा लगती है केरल से, पुदुचेरी की लगती है तमिलनाडु से, करिकाल की लगती है तमिलनाडु से, यलम की लगती है आंध्र प्रदेश से। तो आपको अगर आपका अगस्त में है तो आप जून का करंट अफेयर, मई, जून और जुलाई याद कर लीजिएगा, जुलाई शुरुआत और बाकी सब कंप्लीट, आपका काम बन जाएगा। समस्या उनके साथ होने वाली है जिनका कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, क्योंकि ओलंपिक्स पे पूरा काम आएगा। आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग ऑन ओलंपिक्स, कंप्लीट कवर टू कवर कंप्लीट करवाएंगे आपको, एक बार ही सारा डेटा क्यूमुलेट होने दो, ठीक है। तो यहाँ पे हैं एन रंगास्वामी, वेलू नारायण स्वामी जो कि इससे पहले थे, किरण बेदी जो कि यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी इससे पहले, यानी कि प्रीवियस 2016 से लेकर के और 2021 तक जो प्रीवियस थे वो थे नारायण स्वामी। एन रंगास्वामी नए वाले हैं, पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वो थी किरण बेदी, और जो अब ये बेसिकली ये तेलंगाना की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो कि अब पुदुचेरी का भी भार संभाल रही हैं, राइट जी। तो 16 फरवरी आप चेक कर लीजिएगा, 16 फरवरी को किरण बेदी ने काम छोड़ा था और 18 फरवरी को यानी दो दिन के बाद में इन्हें काम किया गया था, ये एक्स्ट्रा भार जो दिया गया था, काम छोड़ा था मतलब कि अपना पद छोड़ा था। चलिए, द सक्सेसर ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, सक्सेसर नहीं होगा, प्रेडिसेसर होगा, याद रखिएगा। सक्सेसर ऑफ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वॉज डैश हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑब्वियसली अगर इतनी सारी मात्रा में अगर क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, दिमाग लगाना है वहाँ पे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त में अगस्त 1947 में वायसराय की जो एक्स्ट्रा पोस्ट होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद में माउंटबेटन गए, ये थे माउंटबेटन जो कि गए और इनकी जगह पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसका पद संभाल लिया। हाँ, नई कैबिनेट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पूछी जा सकती है, क्योंकि अब क्वेश्चंस ख़त्म हो गए बोर्ड के पास, तो अब नए नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ्स हो, तो क्वेश्चंस ख़त्म होते जा रहे हैं और रिपीट करने नहीं है क्वेश्चन, तो इन दैट वे नए क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, थोड़े आसान भी हो सकते हैं, जो आसान नहीं रखे गए होंगे वो रखे जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ कि भारत का जब इतिहास चालू होता है तो सबसे पहले होते थे गवर्नर, और ये गवर्नर तीन प्रेसिडेंसियों में होते थे, यानी कि बंगाल, मद्रास और बम्बे। तो इनमें से जो 1973
का जो एक्ट था उसने गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल को ये पद मिल जाता था। ये व्यक्ति थे ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्हें कि ये पद दिया गया था सबसे पहली बार। ठीक है, फिर आता है 1833। इस वक्त में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अगर आता है कि लास्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, तो वही होगा जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ये था बेंटिक, विलियम बेंटिक। 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन, रानी की विज्ञप्ति आई, उसके द्वारा जो गवर्नर जनरल था उसके पद में, पद था गवर्नर जनरल, उसमें एक उपाधि, एक टाइटल ऐड कर दिया गया। ये मत सोचिएगा कि गवर्नर जनरल खत्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल रहा, उसको अब वायसराय की उपाधि दे दी गई। और ये जो वायसराय साहब होते थे, ये सबसे पहले थे क्या, तो थे कैनिंग, और 1947 तक ये रहा। 1947 अगस्त में वायसराय का पद खत्म हो गया, लेकिन गवर्नर जनरल रहा। जैसे ही भारत को पावर को ट्रांसफर किया गया, तो सी राजगोपालाचारी इसके जगह पे आ गए। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत पड़नी है नहीं इस कंसर्न में, राइट। विकास ऐश रावल भाई, मैं हूँ एक साधारण अध्यापक, तोता लेकर के अभी बैठता नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट, 1918, 1919, 1921, 1920, इनमें से कौन सा ईयर था जबकि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अगर हम भारत में आंदोलन की बात करें, तो गांधी का आगमन होता है 9 जनवरी 1915 को, 1917 लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए 1918, फिर लिख लीजिए 1919, और फिर लिख लीजिए 1920। थोड़ी जवानी थी गांधी जी की, इसलिए बिल्कुल तीव्र थे। फिर लिख लीजिए 1930, और उसके बाद लिख लीजिए 1942। गांधी पे वीडियो बन चुकी है, काम आ जाएगी। यहाँ पे बात बता दूँ, राहुल चौधरी आज आप क्लास में से थे गायब, ठीक है ना, तो अगली बार अगर तुम गायब हुए तो तुम्हारी बजा दी जाएगी बैंड। 1917 में हुआ था चंपारण, नील की खेती करने वालों के लिए किया गया था। 1918 में ध्यान रखना चंपारण ग्रामीण क्षेत्र है, इसके बाद आया अहमदाबाद, और इसके बाद आया खेड़ा। अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 1918 में ही है। 1919 में आया रावलट सत्याग्रह। 1920 में इसके लिए सारी कहानी चल रही है, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग। बाईस तक चलाइए, यहां पे 22 भी लिख लीजिएगा। 1930 से लेकर के 1932 और फिर 31, और फिर उसके बाद में थोड़े से विलंब के बाद 1932 से लेकर के 1934 तक चला सिविल डिसोबीडियंस। हेनरी डेविड थोरियो की बुक थी नॉन कॉपरेशन, जहां से कि गांधी जी ने ये आइडिया लिया था। और उसके बाद में आया क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। चलिए, आप में से जिसने भी ये टेस्ट मिस कर दिया होगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आज आपको टेस्ट असाइन किया जाएगा जो कल शाम तक आप दे सकते हैं। आज वाला टेस्ट होगा साइकोलॉजी का,
रेगुलर 8 बजे ये डिस्कशन होगा, यू नीड टू बी प्रेजेंट हियर। चलिए तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए तो 1919-1920, राइट। अच्छा 20 भी अगर ऑप्शन है इन दैट केस थोड़ा सा ये काम हो जाता है कि 1919 में ये मूवमेंट चालू हुआ था और 1920 में ये मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन के साथ मिल गया था। ठीक है जी, 1919 सही है आप लोगों का आंसर। मेरे को लगा कि वो मैंने आपको बताया उसको असहयोग से जोड़ करके। नेक्स्ट, बाल्टिक सी इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन, कौन से ओशन में मिलता है बाल्टिक सी। हाँ जी, खिलाफत आंदोलन प्लस रोलर सत्याग्रह एक्ट प्लस जलियांवाला बाग। नहीं, रोलर सत्याग्रह, जलियांवाला बाग एंड देन खिलाफत मूवमेंट एंड देन नॉन कोऑपरेशन। हाँ इसमें, हाँ पहले तो मैं बता दूं कि बिल्कुल सही है आपका आंसर, अटलांटिक ओशन होगा। आर्कटिक ओशन की अगर बात की जाए तो ये सबसे ठंडा ओशन माना जाता है आर्कटिक ओशन। इंडियन ओशन की बात की जाए तो ये एकमात्र ओशन यानी महासागर जो कि किसी देश के नाम पे नाम है। तो हमारा अपना एक ओशन है भाई, इंडियन ओशन मतलब हमारा ओशन है, इंडिया के नाम पे है ना। और अटलांटिक ओशन जो कि एस आकृति का है, एक तरफ यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे कनाडा और यूएस है, नीचे है अफ्रीका और इधर की साइड में है साउथ अमेरिका जहाँ पे कि ब्राजील एंड अर्जेंटीना मुख्य देश है वहाँ के। एस आकृति का है पैसिफिक ओशन जो कि ओ आकृति का है, इसी में इसे रिंग ऑफ फायर से घिरा हुआ भी कहा जा सकता है जी। अगर ये एक तरफ बिजीएस्ट है, सबसे ज़्यादा बिजी जो ओशन है वो है अटलांटिक ओशन, तो जो सबसे बड़ा बिगेस्ट तो गलत वर्ड होगा, लार्जेस्ट बोल देते हैं, लार्जेस्ट ओशन जो है वो हो गया पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर से इसलिए घिरा हुआ बोला जा सकता है, इसके चारों तरफ 452 एक्टिव वोल्केनोज हैं, राइट। चलिए यहां तक की कहानी हो गई, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, पंचायती राज को संवैधानिक संशोधन द्वारा पेश किया गया था। मेरे ख्याल में आप सभी को आंसर पता होगा, 73rd होगा, 73rd और 74th दो आए थे जिसमें कि अशोक मेहता याद रखना है आपको और बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर इसे पास किया गया था। ये भारत में 11वीं 11th एंड 12th अनुसूची में है यानी शेड्यूल में है। 11th और 12th शेड्यूल के अलावा आपको जो याद रखना है वो है आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 में है, प्लस आपको याद रखना है पार्ट 9 में, पार्ट 3 में तो है ही है, एक मिनट, 3 में नहीं 4 में, पार्ट 4 हो गया अपना आर्टिकल 40। और इसके अलावा इतना बहुत रहेगा, छोड़ दो। सबसे पहले नागौर में 2 अक्टूबर 1969 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ओपन किया इसे, गांधीनियन प्रिंसिपल है। अगर राजस्थान के बाद अगर बात की जाए, सबसे पहले राजस्थान में ही बिल पास हुआ था भाई एक महीने पहले यानी 2 सितंबर को। अगर राजस्थान के बाद बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, राजमुंद्री में दूसरी पंचायती राज लागू हुई थी, राइट। पंचायती राज व्यवस्था में ही सबसे पहले एक तिहाई रिजर्वेशन दिया गया फीमेल को, फीमेल रिजर्वेशन सबसे पहले इसी इंस्टीट्यूशन में लागू हुआ, 1/3 याद रखेंगे आप।
यहाँ तक की बात आ रही होगी आपके समझ में, आगे बढ़ते हैं। Dash is defined as the excess of total budget expenditure on the total budget receipt including borrowing during the financial year. किसी भी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्तियों पर कुल बजट व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया गया है। Revenue loss, fiscal surplus balance, fiscal deficit या primary loss, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। इसमें से एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला हुआ है उधार को छोड़ करके, अगर उधार को जोड़ दें तो उसे कहते हैं प्राइमरी लॉस, अगर उधार को जोड़ दें तो उसे कहते हैं प्राइमरी लॉस, प्राइमरी लॉस नहीं होता, डेफिसिट होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेफिसिट होता है, लॉस नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, फिस्कल डेफिसिट होगा इसमें। जब हम फिस्कल सरप्लस बैलेंस की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा बजट जो होता है उसमें संतुलन की बात की जाती है। संतुलन यानी कि एक तो हो गई रिसीट और दूसरे हो गए एक्सपेंसेस, अगर ये दोनों बराबर हैं तो संतुलन है, पर अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और रिसीट कम है, अगर ये स्थिति होती है तो हो गया फिस्कल डेफिसिट। अगर रिसीट ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो ये हो गया अधिशेष संतुलन, रेवेन्यू लॉस यानी कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम आए। तो आपको पता करना है डिप्रेशन, बाप रे क्या भयंकर स्पेलिंग लिखी है, और मी तूने डिप्रेशन की क्या कर रही है। डिप्रेशन, पहले ये जानना होगा कि अगर आय व्यय उत्पादन ये चक्र होता है, एक इसकी बात की है रैगनर नर्क्स ने, रैगनर नर्क्स इसकी बात करते हैं, इसे कहते हैं वीसीएस सर्कल ऑफ इकॉनमी। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं वीसीएस सर्कल ऑफ इकॉनमी। अब अगर आय बढ़ रही है तो व्यय बढ़ेगा, पैसा ज्यादा आ रहा है तो पैसा ज्यादा खर्च करोगे, वो होगा तो उत्पादन और बढ़ेगा, व्यय को मतलब जो खर्चा हो रहा है तो आप सामान खरीद के ला रहे हो, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो और ज्यादा बढ़ेगा उत्पादन होगा, जिससे कि आय और बढ़ेगी, इससे व्यय और बढ़ेगा, इसी को कहते हैं महंगाई। लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा खर्च करने लगेंगे, लेकिन वस्तुएं उतनी उपलब्ध करवाई नहीं जा सकती, तो इसलिए महंगाई हो जाएगी, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। पर अगर मान लो किसी कारण से ऐसा हो कि व्यय लोग कम करने लगे, मान लो ऐसा लग रहा है कि युद्ध होने वाला है, तो उत्पादन कम हो जाएगा जिससे कि आय कम हो जाएगी, लोगों को निकाला जाने लगेगा नौकरी से, और इससे व्यय और कम होगा तो उत्पादन और कम होगा, आय और कम हो जाएगी, इसे कहेंगे मंदी यानी रिसेशन। यही है कुचक्र, वीसीएस सर्कल ऑफ इकॉनमी, एक तरफ घूमना चालू करता है तो मार्केट एक ही तरफ घूमती रहती है। अब अगर ये जो रिसेशन है ये अगर इस लेवल पे पहुंच जाए, रिसेशन इस लेवल पे पहुंच जाए कि गवर्नमेंट को लोगों में पैसे वितरित करने पर की स्थिति आ जाए तो इसे कहते हैं डिप्रेशन। अगर आप इकोनॉमी का डिप्रेशन पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है ना, भगवान क्वेश्चन तो पूछ ले भाई, डेप्रिशिएशन पूछ रहे हो, कहां लिखा है यार डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन तो अलग चीज है, आप डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको डिप्रेशन। तो इकोनॉमी में अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि लोग पैसे दे दें, लोगों को पैसे देने पड़े खर्च करने के लिए, तो उसे कहते हैं डिप्रेशन। और अगर ये अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि उत्पादन वाले लोग अपना उत्पादन खत्म कर दें, किसान फसलों में आग लगा दें, तो इसे कहेंगे ग्रेट डिप्रेशन, जो 1930 में 1929 से 1933 में आया था दुनिया भर में, उसे कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। अब मैंने ये समझा दिया तो अब मैं तुझे डेप्रिशिएशन नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर टाइपिंग एरर तेरा है तो तू अपनी
टेंशन अपने पास रख, मुझे मत दे। सोनालिका, कल्याण सोना इंट्रोड्यूस्ड इन 1963 आर द सीड्स ऑफ हाई एच वाई वी। सिंपली आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली चलता है ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ में। ग्रीन रेवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, वो क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो जो शोध किए गए उनसे इनकी स्थिति को बेहतर किया गया। अब आंसर होगा इसका, बिल्कुल जी बिल्कुल, वीट। अगर आपको मेज के लिए बताना हो तो एक तो नदियों के नाम याद रख लेना, जैसे कि कावेरी, एक ड्यूपॉन्ट याद रख लेना, ये बड़ा फेमस है ड्यूपॉन्ट, या फिर गोदावरी पूछा जाए तो ये भी बड़ा फेमस है। बार्ली आएगा नहीं, क्योंकि बार्ली में एच वाई वी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप पैदाइशी एच वाई वी है। राइस की बात की जाए तो आर सी सी होगा, या सी आर आर होगा, ऐसा कुछ नाम हो तो वो होंगे, या फिर कल मतलब जनरली लड़कियों के नाम होंगे बाला, और ऐसे ही नाम रखे गए थे, कनिका, ऐसे कुछ नाम हैं जो कि सीड्स के नाम हैं, तो ये आप इन्हें याद कर लीजिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बाकी दूसरी भी जो फसलें दी हुई हैं उनके भी याद कर लीजिएगा, ताकि आपके टाइम में काम आ जाए आपके, है ना। शशांक भारद्वाज, सर आपका जो DSSB PRT का कोर्स के बाद कोई बुक या नोट्स पढ़ने की नीड तो नहीं है? भाई देखो, ऐसा है, नीड किसी भी चीज़ की कम नहीं होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज आपकी हेल्प करेंगे, पर एक्चुअली जो आजकल पेपर आ रहे हैं वो पेपर ऐसे आ नहीं रहे कि उसे आप किसी भी 2 महीने की प्रिपरेशन में क्रैक कर दें। तो हमारी कोशिश ये है कि हम प्रिपरेशन इस तरीके से करवाएं कि आप उसके साथ में अगर कुछ भी पढ़ रहे हों तो वो आपके लिए एडिशन रहे। आपकी प्रिपरेशन कितनी पुरानी है और कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है कि जो मैं कोर्स तैयार कर रहा हूँ वो अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है, अगर आप उसे अगर प्रिपेयर करते हैं तो। और ऑब्वियस सी बात है, हर टीचर जो पढ़ाता है वो ये सोच करके पढ़ाता है कि भाई बेस्ट ऑफ दी बेस्ट देंगे। प्रीवियस रिजल्ट देखा जाए तो कोर्स कंप्लीट भी नहीं हो पाता बच्चों से, इतना बड़ा कोर्स हो जाता है हम जो करवाते हैं। पर आपने अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता जीवन में हमेशा रहती है, मैं भी रोज़ पढ़ता हूँ, ठीक है ना। जो भी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ उससे संबंधित कुछ ना कुछ जरूर पढ़ता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि अब मुझे NCERT या जनरल किताब नहीं पढ़ने की कुछ ज़रूरत होती, लेकिन हाँ अगर मैं मनोविज्ञान पढ़ाने वाला हूँ तो मैं मनोविज्ञान की आजकल कुछ ना कुछ किताब जरूर पढ़ रहा हूँ, कुछ ना कुछ जरूर लिख रहा हूँ, दिस इज माई वे, है ना। बैच में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बैच में ऐड कर दिया गया है, जो कि जितना भी आपका मेरे से डिस्कशन होगा अब वो होगा थ्रू द चैनल ऑफ ऐप। ऐप पे जो चैट का सेक्शन है उसके अंदर मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन दीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन लीजिए, जितने भी लिंक होंगे जो लाइव सेशन के लिंक है वो सब वहाँ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। और बाकी जिन लोगों ने स्टोर से कोर्स परचेज किया है उनको वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी, जो लोग बैच में हैं और उन्होंने स्टोर पर परचेज नहीं किया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पुराने थे जिन्होंने स्टोर से नहीं खरीदा है, परचेज नहीं किया है बैच, जबकि वो बैच के हिस्से हैं, तो उनको बैच के चैट सेक्शन में लिंक शेयर किया जाएगा। मैं जानता हूँ शशांक, आपको ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है बैच के अंदर, आपके पास आज लिंक भी आया होगा, आप जब बैच सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना बैच दिख जाएगा, उसके अंदर हमने आज लाइव का लिंक भी शेयर किया था, चैट के अंदर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, तो वो ऑलरेडी शेयर्ड है दोस्त, हाँ मुझे मालूम है जी, वहां पे शायद आपने शशांक शर्मा लिखा हुआ है। मेरा छोटा सा परिवार है तो मुझे लगभग नाम भी याद ही रहते हैं सबके, ठीक है ना। तो अभी इतने ज्यादा मैंने भारत की जो दर है उसके अनुसार काम नहीं किया है अभी, है ना। खैर, ये आपको समझ में आ गया होगा, इट्स नाइस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़े अजीब से क्वेश्चन हैं, मैंने इसलिए बोला कि ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, इसकी जानकारी रहनी चाहिए। एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन यानी कि ASBC हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट एन अपकमिंग 2021 एडिशन ऑफ ASBC एशियन एलीट मैन एंड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन, कहाँ पे?
तो एशियन मुक्केबाजी परिसंघ ने ASBC एशियाई अभिजात वर्ग पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के आगामी 2021 संस्करण को डैश में आयोजित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में, दुबई में, हांगकांग में या बैंकॉक में, कहाँ पे आयोजित करने की बात की गई है भाई? मज़ेदार है। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी का भी गोत्र भारद्वाज है, टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, हम भाई भाई हैं, ठीक है ना। बस अब हम यही बच गया है, हम गोत्र जात और यही सब लेकर के आएंगे। चलो चलो दुबई, ठीक है ना, मेरी मम्मी बड़ी खुश होगी। किसी भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण ने कोर्स ज्वाइन किया है, मैं आज ही जाकर के बताऊंगा। अरे ये सब इट इज नॉट नेसेसरी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे ठीक है ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज यार। देखो ऐसा है, ये जो एक प्लेटफॉर्म है धीरे धीरे समझ में आएगा। वी डू नॉट डू दिस, हमारे यहाँ पे कोई ऐसी मतलब वी हैव नेवर बीन इन द प्रैक्टिस, वी कैन नेवर बी इन द प्रैक्टिस, और इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें की हंसी में उड़ा करके ख़त्म कर देना चाहिए। चलो चलो ठीक है, आई नो दैट, मैंने क्योंकि वहाँ पे देखा था तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। As announced in Budget 2021, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) is permitted to increase deposit insurance converts from rupees 1 lakh to rupees dash. मुझे नहीं पता कि एक टीचर बनने के लिए, एक एजुकेटर बनने के लिए ये कौन सा क्वेश्चन है, क्यों जरूरी है, लेकिन बोर्ड को लगा कि यहीं से उठा करके पूछ लेते हैं, लोग कम पढ़ेंगे, तो इसको उसमें शामिल किया गया है। कोई इशू वाली बात नहीं है। आगे से आपको याद रखना है कि इस एरिया के प्रश्नों को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे 5-7 क्वेश्चन आए हैं। तो करंट अफेयर्स जब पढ़ना है तो करंट अफेयर्स पढ़ना वैसे नहीं है जैसे कि आजकल होता है ना, घोड़े पे बैठ करके 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, कहीं कहीं पे तो मैं पढ़ता हूँ कि 1000 या 10000 क्वेश्चन भी करवाते हैं, तो वो नहीं करना। क्या करना है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक सेक्शन को चूज करना है, एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, कोई भी ऐसा देख लो जो कि थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ, लेकिन डिस्कशन बढ़िया करवा रहा हूँ। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन वहाँ पे से उठे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो, और फिर उसको पकड़ के रखो, उसको मत छोड़ो, ठीक है ना, और उसी को कंटिन्यू करो, ठीक भाई? तो ये शायद बेहतर तरीका होगा, है ना। बाकी तो मतलब ये जो मतलब पूरे दिन पढ़ाते रहते हैं, पूरे मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। पेपर से पहले एक दिन तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या, कौन सी इतना बड़ा तीर तलवार चल रहा है कि वो पूरे दिन लगे पड़े हैं। पेपर से पहले दिन शांत मस्तिष्क रखना चाहिए, पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है ना। ये भाई कोई टीचिंग का एग्जाम था जो कि जिसका कि 20 क्वेश्चन ले रखे हैं, तो इसमें सभी जितने भी एग्जाम है ना सबके 20-20 खेल लेंगे, हैं, तो उससे क्या है ना एक अंदाजा हो जाएगा। मुझे भी बिल्कुल अभी ध्यान नहीं है कि कौन सा है। हमें तो नहीं समझ में आता भाई, मैराथन क्या होती है, मैराथन होती है 42 किलोमीटर की, ठीक है ना, फुल मैराथन होती है 42 किलोमीटर की, ठीक, हाफ होती है 21 किलोमीटर की, हमें तो वो वाली पता है। ये मैराथन क्या होता है और महामैराथन क्या होता है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब ये पक्की बात है कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए है या टीचर के लिए NCFTE बना हुआ है, वो दोनों इस चीज़ पे बात करते हैं कि होमवर्क कम होना चाहिए, पढ़ाई कम होनी चाहिए, बच्चों का पढ़ना ज़्यादा होना चाहिए, तो बच्चों को इंड्यूस किया जाए, है ना, तो उस पर जोर दिया जाता है, बजाय इसके कि इस पर जोर दिया जाए कि मतलब हम सब कुछ हम ही पढ़ा देंगे, सब कुछ हम ही पढ़ा देंगे, फिर पेपर भी खुद ही दिया, ऐसे थोड़ी होता है ना। तो आपको तो करना ही पड़ेगा काम। आजकल के पेपर ऐसे आ रहे हैं कि कोई कोचिंग वाला नहीं पास करवा सकता, कोचिंग आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकता है, ये YouTube जो है ये आपको सपोर्ट दे सकता है, कोई भी कोर्स आपने खरीदा वो आपकी प्रिपरेशन को सपोर्ट दे सकता है, बट आपकी प्रिपरेशन वो कोर्स कर देगा ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, वो तो खुद ही करना पड़ेगा हमें, है ना। खैर दैट इज अनदर थिंग, आई एम जस्ट टेलिंग, क्योंकि मेरा काम है भाई टीचर्स को समझाना,
तो तुम्हें इसलिए समझा दे रहा हूँ कि कल की डेट में तुम मत इस बीमारी के चक्कर में पड़ जाना, क्योंकि ये तो फिर तुम्हारे अंदर ना समस्या उत्पन्न कर देगा। कोचिंग का क्या मतलब होता है, दो क्वेश्चन आए थे। कोचिंग का मतलब होता है दोस्तों, जिस विषय में आपके पास में सही गाइडेंस या संसाधन उपलब्ध ना हो अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए, उस विषय में आप किसी के पास जाते हैं डायरेक्शन और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ये कोचिंग होता है। इतना ही हमने पढ़ा था कभी ज़माने में जब हम ये पढ़ रहे थे टीचिंग क्या होती है। तो टीचिंग के रूपों में एक कोचिंग भी आता है, एक मेंटरिंग भी आता है, एक डायरेक्शन भी आता है, एक इंस्ट्रक्शन भी आता है। तो अगर अभी अगर कोचिंग का मीनिंग आ चुका है तो इंस्ट्रक्शन का, डायरेक्शन का, मेंटरिंग का, इनका भी मीनिंग जान लीजिएगा तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, ये आप जहाँ पर नहीं पहुँच सकते वहाँ पर स्कैफोल्ड क्रिएट करने का काम कोचिंग करते हैं। अगर आप, मैं अपने नेफ्यू के लिए, मैं बड़ा क्लियरली बोलता हूँ, मैं अपने नेफ्यू के लिए एक कोचिंग ढूंढ रहा हूँ जो कि उसको कैलकुलस तैयार करवा दे, मैथ्स में 11 12th का मैथ्स करवा दे उसके काम के लिए। वो इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो बिना हेल्प के नहीं हो सकता, उसके केस में नहीं हो सकता क्योंकि हमारे घर पे कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है। तो वो कोचिंग होती है। काउंसलर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है आशुतोष, और काउंसलर का कोर्स आप ऐप पे जाएंगे, उसके सेक्शन में जाएंगे स्टोर में, वहाँ पे काउंसलर का कोर्स है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। और उसके अंदर कुछ वीडियोस ऐड होंगी जो कि वीकली दो दिन का सेशन रखा गया है, जिस दिन होगा मैं आपको बता दूंगा। आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे लिंक शेयर किया जाएगा, वो आपकी अनलिस्टेड वर्जन में क्लास चलती हैं काउंसलर की, इस वीक से ही चालू होंगी वो क्लासेस। बाकी जो प्रीवियसली बनी हुई हैं, वो जो कोर्स जितना बना हुआ है वो सारे आपको वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगी, आप उसे अवेल कर सकते हैं जी। हाँ, मेंटरिंग भी एक प्रकार होता है। मेंटरिंग यानी कि डायरेक्शन के साथ गाइडेंस देना, डायरेक्शन के साथ गाइडेंस देना मेंटरिंग होता है। चलिए, तो डैश इज ए स्पेशल टेक्स्ट ऑफ बुंदेलखंड विच डिस्क्राइब्स द हीरो ऑफ टू वॉर ब्रदर सर्विंग किंग परमाल ऑफ महोबा। परमाल ऑफ महोबा की जब भी बात आए तो बुंदेलखंड में एक ही नाम, मतलब दो ही नाम होंगे, अलाउदल। कौन से नाम होंगे? अलाउदल। दो भाई थे तो उनकी जो स्टोरीज है वो वहां पे बताई जाती हैं। दैट इज, अगर मांडो की बात करें तो ये एक क्षेत्रीय जनजाति है गोवा की, तो वहां पे मांडो डांस भी होता है। बड़हामास ये ढूंढ लीजिएगा, और लोटिया क्या होता है मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं इस पूरे पेपर को देख पाऊं। खैर, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिट्रेटेड इट्स कमिटमेंट टू अचीव हर घर जल टारगेट बाय। हर घर जल टारगेट को अचीव करने के लिए कब तक की बात की गई है? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप, ये जो है क्योंकि 2022 की बात की गई है ना? जी बिल्कुल, ये 2022 की बात की गई है। इसमें 2022 तक हर घर जल योजना की बात की गई है। सभी का आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब क्या करना है कि इस तरीके की जो योजनाएं हैं उनकी एक लिस्ट टांग दो घर में कि भाई ये जो योजनाएं हैं ये इस टाइम तक है, ये इस टाइम तक है, ये इस टाइम तक है, और जब भी आप उसके आसपास से निकलते रहेंगे तो वो याद होती रहेंगी क्योंकि ये मेमोराइजिंग फैक्टर है। तो इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है ना? करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर अगर पढ़ पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं क्योंकि करंट अफेयर की बात बता रहा था और वो बीच में रह गई थी। खैर, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज ट्विन और हैंडमेड ऑफ नर्मदा। भाई देखो, नर्मदा है ना, नर और एक्चुअली शिव के लिए एक जगह है, दैट इज कॉल्ड अमरकंटक, ठीक है? तो आपने सुना होगा एक रूप है शिव का जिसे कहते हैं अर्धनारीश्वर शिव। अचानक मर अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा इसी को डिनोट करती है, इसी को करती है नर्मदा के रूप में, तो नर्मदा, ठीक है ना? माही, लूनी, साबरमती और ताप्ती, इनमें से बताना है आपको कि कौन सी रिवर है जो कि, किसी ने बी लिखा है क्या? बी क्यों लिखा है भाई, ये नहीं समझ में आया मेरे को, मैं बता देता हूँ जरा। इसमें से ध्यान रखना ताप्ती
लूनी, माही और साबरमती, ये चारों ही रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, चारों ही रिवर वेस्ट की तरफ को बहती है। इसके अलावा इसमें जोड़ सकते हैं आप पेरियार, और ये क्वेश्चन बिल्कुल डैम श्योर ये पूछा जा सकता है, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। लूनी जो राजस्थान में है, माही जो गुजरात में है, साबरमती अगेन गुजरात में है, ताप्ती जिसके ऊपर काकड़ापार और उकाई परियोजनाएं हैं वो है मध्य प्रदेश से आते हुए और गुजरात में जाती है सूरत के नज़दीक, ठीक है जी। बे ऑफ बंगाल वो क्या कहते हैं, कैम्बे में गिरती हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे में ताप्ती और नर्मदा दोनों एक दूसरे के साथ साथ जाती हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए, वरना मैं मैप पे ही समझा देता आपको, किसी दिन बता दूंगा एक टॉपिक है तो करवा दूंगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन 2021 रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर सिंगल टाइटल, अब पता नहीं क्यों। खैर, निम्नलिखित में से किसने 2021 के रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स एकल खिताब जीता है? अगर कोई भारतीय होता तो मैं समझता भी, बट अब ठीक है इन्होंने पूछ लिया तो ले लो। नाम भी इतना अजीब सा है, स्टेफानोस टिसिट्सिपास, याद कर लेना। हाँ, खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आप इसकी क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए गए तो ऐसे बहुत सारे टाइटल हैं, इसलिए आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार का करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। अगर कैबिनेट चेंज हो रहा है तो कर सकते हैं, अगर मुख्यमंत्री वगैरह चेंज हो रहे हैं ये आप कर सकते हैं, अगर कोई एक ऐसी योजनाएं हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड लेवल पे, अब ये रोलेक्स कोई मोंटे कार्लो मास्टर्स हैं इस तरीके की बहुत सारी हैं, ये आप करंट अफेयर नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे अगर आपने अगर बाई चांस कहीं पढ़ लिया और दिमाग में बस गया तो आंसर आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट, ठीक है ना। वैसे तुम लोगों का सभी का आंसर ठीक है भाई, मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं बड़ा क्लियरली बता दूँ आपको, मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, वो भी काम की चीज़ें पढ़ता हूँ, इतना ज़्यादा अंदर नहीं जाता मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर राइजेज अप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ओजोन की उपस्थिति के कारण वायुमंडल के निम्न में से कौन सी परत ऊपर उठती है? तो मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर। भाई देखो, ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आजकल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और मेरे ख्याल में मेरे बच्चे को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर पे एक वीडियो बनी हुई है, तुरंत कर लीजिएगा, बड़ा बड़ा बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी परत जो है वो ऊपर उठ रही है ओजोन की उपस्थिति का। तो ओजोन की उपस्थिति कहाँ पे है, बस यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आप डायरेक्टली मारिए स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना। और आप जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर है उसके चार लेवल्स हैं। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो जनरली बोल बच्चे कहते हैं पाँच हैं सर, मैंने तो छः पढ़े हैं। अब भाई आठ दस पंद्रह हैं, लेकिन आपको याद यही करने हैं चार, ठीक है ना, ऑथेंटिकेटेड है भाई। अरे भाई यही तो बताने के लिए पेपर डिस्कस करवा रहा हूँ, मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूँ अभी करंट, मैं करंट पढ़ाऊँगा, मैं करंट करवाऊँगा, पर मैं जब बोल देता हूँ ना आपको मैं ये काम करवा दूंगा तो फिर आप कहते हो अभी करवाओ, ठीक है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो कुछ समय के पश्चात मैं करंट अफेयर करवाने के बारे में सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं करंट अफेयर वीकली बेसिस पे करवा दूंगा। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ आपको कि अगर आप सितंबर के बाद कोई भी, सितंबर या उसके बाद में कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए करंट अफेयर की तैयारी आपकी हो जाएगी, यानी जीएस वाला सेक्शन मैं करवा दूंगा 20 नंबर का, ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते करते ही हो जाएगा वो तो काम, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बनेंगे तो वो पढ़ा भी दूंगा चाहे तो। इसके अलावा ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कशन करवाए हैं, 53rd डिस्कशन है, तो अगर पिछले क्वेश्चंस अगर रिवाइज कर लेते हो क्वेश्चन नहीं रुकेगा कोई भी, क्योंकि हम डिस्कशन के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं उसी के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल पुरस्कार। आजकल ऐसा लग रहा है कि कोई बचा ही नहीं है जिसको कि अवार्ड देना है, इसलिए एक ऐसा अवार्ड दे दिया। ये आपको याद करना चाहिए, हर बार ही लगभग पूछा जाता है, तो नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हो, आईफा हो, दादा साहेब फाल्के हो,
या राष्ट्रीय पुरस्कार में सहायक की भूमिका में कौन किसको मिला, ये सारी चीज़ें पूछी जाएँ तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल तो अक्षय कुमार प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू भी देख लेते हुए मिलते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए मिला है अवार्ड, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा मतलब फेमस व्यक्ति है अक्षय कुमार, इसीलिए अच्छे कलाकार भी रहे होंगे। हाउसफुल 4 में शायद इनका रोल है, बड़ा मज़ेदार रोल है, शायद उसी के लिए मिला है, मतलब मुझे नहीं पता, तो बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो हाँ, अमेजिंग क्रिकेट, अमेजिंग बंदा है ये, बहुत बढ़िया। हाँ, बड़े अच्छे अच्छे रोल किए हैं इन्होंने। नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर इन द कंट्री हैज बीन टेस्टेड एट द सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इन डैश इन अप्रैल 21। भाई वाह, क्या कमाल का क्वेश्चन है ना, कि एक सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें कि पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किया गया। अब ये भारत द्वारा ही निर्मित है, इसलिए ये हो जाता है बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी और आपने अगर इस न्यूज़ को अगर छोड़ दिया, तो फिर यार देखो, आप ना, आपके अंदर ना तो देश प्रेम है और ना ही आप न्यूज़ को ठीक तरीके से देख रहे हैं। हाँ जी, जहाँ का गेहूँ बहुत फेमस होता है वहीं पे ट्रैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला, ध्यान से समझना, जहाँ का गेहूँ बहुत फेमस है वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के ट्रैक्टर की ट्रेनिंग हुई, टेस्टिंग हुई। कहाँ का गेहूँ फेमस है? मध्य प्रदेश का, MP का गेहूँ फेमस है ना। चलो, पहले से ही निशान लगा हुआ है, देख लेते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ओपन फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा इन 1853। आजकल जो टीचर्स हैं ना, वो यही क्वेश्चन चाहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं बस सारे के सारे, है ना। पर इन क्वेश्चंस की समस्या क्या होगी, इन क्वेश्चंस की समस्या ये होगी, जो रटने वाला बच्चा है, जो कि प्रीवियस पेपर्स और वो जो वन लाइनर इन्फॉर्मेशन वाली किताबें होती हैं उनको पढ़ करके गया है, वो भी आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा। तो इसलिए सरबती, हमारे टाइम में सरबती आंखें होती थी, तुम्हारे टाइम में गेहूं भी होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जी, सही है ना। हाँ, तुमने आंसर भी ठीक दिया यार, तुम लोग तो मस्त चल रहे हो, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर मतलब मैंने ही जो पढ़ाया है वो नहीं, कोई भी एजुकेटर होगा, उसने जो पढ़ाया होगा, अगर वो GS का एजुकेटर है और टाइम से पढ़ा रहा है, तो उसके पढ़ाए हुए 8-10 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, पर अगर हम मिस कर दें तो प्रॉब्लम है। हम अगर उस एक टीचर को जिसको पकड़ लिया उसको पकड़ के चले, पर उसमें भी अगर हम चयन करेंगे, ये पढ़ेंगे ये नहीं पढ़ेंगे, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, तब फिर गड़बड़ होती है। पर एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसके अनुसार चल लिए तो काम बढ़िया है, ठीक है ना। तुझे डेट पता चल गई ना तुझे पेपर की, कि तेरा पेपर आ रहा है, अब तो टाइपिंग एरर होंगे या पता नहीं कौन कौन से एरर होंगे। चलो नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल, खत्म हो गए अब तो, अब क्या। खैर, लॉन्च निशंक वर्ल्ड्स फर्स्ट अफोर्डेबल लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट दुरोकिया सीरीज इन अप्रैल 2021। इट वॉज डेवलप्ड बाय, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि एक मिनिस्टर है वो एक योजना चलाता है और वो अपने ही नाम पे योजना चला देता है, मिनिस्ट्री जानी थी और क्या। हाँ भाई, कोई और नाम नहीं मिला, इतना सेल्फ ऑब्सेशन, ये भी ठीक नहीं है। हाँ और क्या भाई, अब मान लो मोटेरा, अब मोटेरा की बात क्यों आ गई, तो मोटेरा तो कोई स्टेडियम है ना। नहीं नहीं, हम लोग मोटेरा की बात नहीं कर रहे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग शुड नॉट बी नेम्ड निशंक, कुछ और होना चाहिए था। चलो,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। आंसर क्या होगा? नहीं तुम लोग फंसाओगे यार मेरे को, मैं मतलब देखो सरकार की सब जगह पे नजरें हैं, नहीं तुम फंसाओगे मुझे। तुम लोगों से मैं चुपके से थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ वो भी। अरे कमान यार, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग आंसर नहीं दे रहे, तुम तो आंसर दे करके बैठे वाले। सॉरी सॉरी, हाँ देख लो, हाँ आईआईटी हैदराबाद ठीक है, तो इसे याद करने की अब कोई जरूरत नहीं है, अब तो निशंक जी गए और क्या। भैया अगर इसका नाम होता ना मोदी, नहीं मतलब कुछ भी और नाम रखता निशंक की जगह, मैं बता रहा हूँ चल जाते फिर भी शायद, पर अब तो गए, अब क्या, अब तो नए नए लोग आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी देर तक बने हुए थे हमारे साथ में और हम वार्तालाप कर रहे थे, हो गया काम। हाँ अब ये जो वीडियो है ना, इसका जो लिंक है उसको धड़ाधड़ शेयर करो, जिस जो भी मिले ना उन सबको शेयर करो, सबको बताओ 5 रुपये महीने की फीस है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज टेस्ट चल रहे हैं, रोज 20 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं और उनको सॉल्व करना होता है टीचर्स के लिए खास करके, है ना। हाँ अब ये रोज़ चलेगी भाई, 8 बजे हम दोनों हम लोग ना रोज़ मिलेंगे। अब ये हो सकता है कि 8 से 8:30 हो जाए, मतलब 8 से 8:30 तक रखें, 9 तक रखें, जो भी है। और राहुल तुझे काट के रूँगा भाई, जितने भी ऐसे हैं ना जो कि पीआरटी वाले हैं, जो पीआरटी के बैच में हैं, एक एक बच्चा शामिल होना चाहिए, मैं अगले दिन बैच में से काट दूंगा उसे, अगर वो ऑनलाइन अगर लाइव नहीं हुआ तो। मैं बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ, लाइव आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू लाइव, तब तो मुझे डिस्कशन में मज़ा आएगा, वरना फिर मैं चीख चिंगाड़ के बोलने लगूंगा भाई, जब तक इतने लोग नहीं होंगे तब तक क्लास ना चालू करूँगा, है ना। चलो आशा करता हूँ कि चीज़ें बढ़िया रही होंगी, आपको कुछ कुछ समझने को मिला होगा, और हाँ एक नए स्टाइल का थैंक यू लगाया हमने तो आप लोगों को बोलने के लिए। और अब डिनर वगैरह का टाइम हो रहा होगा तुम्हारे तो, नहीं नहीं राहुल आज ही एबसेंट था, वो एबसेंट रहता नहीं, राहुल आरुषि ऐसे बच्चे एबसेंट रहते नहीं हैं, मतलब अगर पीआरटी वाले बैच की बात करें तो। पर ठीक है, इट्स गुड। हाँ और कोई, और किसी का कोई प्रश्न, कोई कष्ट, कोई बात शेयर करनी हो पब्लिकली तो कर दो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अनिमिषा, ये आंसर याद रखना, यही लगाना है DSSSB में भी। हाँ राहुल चौधरी, अरे बाय टाड़ा, चलो अच्छी बात है, ओके टेक केयर।